You can confirm whether you are able to see the screen and sound is good enough. And then we are going to start the lecture, unit and dimension. Unit and dimension, hum log padh rahe. And this will be third lecture of that chapter. Okay, yes, clear everything. So first of all, before we start, ki agar aapko koi doubt ho previous chapter se, previous classes se related, to aapko pooch lena hai. Aur agar all is, to isko hum aage batate hain. Hum logon ne unit ke bare mein padh rakha hai, dimension ke bare mein padh rakha hai, aur maine aapko ye bhi bola hai, okay. कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में और सभी का डायमेंशन सबसे पूछा जा सकता है. तो एज ऑफ नाउ आपको सारी क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. हालांकि मॉड्यूल में एक लिस्ट दे दी गई कुछ क्वांटिटीज उनके फार्मूलाज, तो कभी अगर कोई क्वान्टिटी की ज़रूरत पड़े तो आप मॉड्यूल से सीधे देख लीजिए और उस फार्मूले को देख करके अपना डायमेंशन फार्मूला बता सकते हो. जब वो चैप्टर आएगा, करस्पॉन्डिंग चैप्टर आएगा, तो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी के बारे में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. एंड जब उसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा तो फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी. तो पॉइंट इज कि ये जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरा फिजिक्स कम्प्लीट करने के बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. अभी अपने को सिर्फ प्रिंसिपल समझने, कॉन्सेप्ट समझने कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर कोई फार्मूला दिया गया हो. सपोज के लिए किसी y क्वांटिटी को कोई ऐसा बोलता है x रेस टू पावर m है, z रेस टू पावर n है, और आपसे बोलता है इसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए. तो हम लोग क्या करते हैं कि y का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, x का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उसकी पावर m कर देंगे, z की डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उसकी पावर n कर देंगे, जो भी नंबर्स हमारे पास हैं. फिर वो x का डायमेंशनल फार्मूला बताएगा, z का बताएगा, दोनों को रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली अपने को y का डायमेंशन पता चल जाएगा. अब ये एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स की लैंग्वेज में. फिजिक्स में कुछ और लेटर्स आएंगे, जैसे एफ आएगा, बी आएगा, ए आएगा, एस आएगा, जो भी आएगा उसको हम लोग पता कर सकते हैं. लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली वो दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूला. तो किस तरह से अप्लाई करते हैं उसमें एक मैंने आपको बताया था कि फार्मूले को चेक करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कि क्या वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. तो अगर किसी फॉर्मूले को अपने को चेक करना होगा क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम लेफ्ट साइड को चेक करते हैं, राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, और दोनों को बोलते हैं कि यस, अगर दोनों बराबर आते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं. जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अगर आप चेक डायमेंशनल करेक्टनेस of again similar कर देता हूँ या फिर दो पार्ट दे देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में t is equal to 2 pi under root i upon m g t, ऐसा एक फॉर्मूला लिखा है. ये फॉर्मूला किसका है, कहाँ पर यूज करते हैं, हम लोग इसका कभी डेरिवेशन करेंगे और प्रूफ करेंगे. सपोज कर लीजिए ऐसा फॉर्मूला आपको दिया गया, अपने को चेक करना है कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है. जहाँ पर ये जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके बारे में बता दिया जाएगा. जहाँ पर ये टी लिखा जा रहा है, टी का मतलब टाइम पीरियड है, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल जो हम लोगों ने पिक किया था पेंडुलम के लिए. आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सी है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्या फॉर्मूला होता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, फिर भी मैं बोल देता हूँ इसको कॉन्स्टेंट टाइम्स एम आर स्क्वायर टाइप का बोलते हैं, k फॉर कॉन्स्टेंट होता है, यू रिमेंबर दैट, और m फॉर मास है, g फॉर ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, d फॉर डिस्टेंस है. सो सभी सॉल्व करें, आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, और चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है. अगर बराबर आता है तो हम बोलेंगे यस, डायमेंशनली करेक्ट है. इन केस इक्वल नहीं आता है देन वी विल से इट्स नॉट डायमेंशनली करेक्ट.
सॉल्व कीजिए, पैरेलली मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का बहुत इजी है, ये टाइम का डायमेंशनल आएगा, टाइम का डायमेंशनल टी होता है क्योंकि ये टाइम पीरियड है, सेकंड आएगा, सेकंड टाइम को हम टी से लिखते हैं। अपने पास जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो राइट हैंड साइड है। अगर आप में से कोई कर पाए राइट हैंड साइड को टी प्रूफ तो आप बोल सकते हैं। फिर स्टेप्स मैं लिखूंगा, अब क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अश्मित यू आर एबल टू डन, और जो रिद्धि ने प्रूफ कर लिया है, ओके बाकी लोग भी प्रूफ कर लेंगे आई एम श्योर। सो और अगर आप कहीं पर नहीं कर पा रहे तो आप स्टेप वॉच कीजिए क्या करना होगा। आप बोलोगे कि पूरा का डायमेंशन चाहिए अपने को, डायमेंशनल ऑफ दिस थिंग 2 पाई का, 2 पाई को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, बाहर कर लेंगे। अपने पास जो रहेगा उसमें आपको आई का लिखना होगा, एम का लिखना, जी का लिखना होगा, डी का लिखना होगा, इसकी पावर हाफ लगानी होगी। फिर आप आई का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एम एल कर बना था, एम का एम रहने वाला है, जी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का मीटर लेंथ होता है, तो इसको लिखेंगे लेंथ पर टाइम स्क्वायर, दैट मीन्स टी रेस्ट पर माइनस टू, और लेंथ के लिए डी इज लेंथ डी लिखेंगे। इस सब की पावर आपके पास कितना चल रहा है, हाफ। देन आफ्टर यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि सबको ऊपर ले जाओ तो एम रेस्ट पावर हो जाएगा, एक प्लस वन पैसे था नीचे से आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, एल की टोटल पावर टू अपसाइड थी, वन प्लस वन नीचे से आएगी तो माइनस टू हो जाएगी, टी की टोटल पावर टी माइनस टू नीचे था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसकी पावर हाफ चाहिए आपको। सो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा एम रेस्ट पावर जीरो, एल रेस्ट पावर जीरो, टी रेस्ट पावर टू की पावर हाफ। जीरो में टू से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये अल्टीमेटली आपको बनेगा एम रेस्ट पावर जीरो, एल रेस्ट पावर जीरो, टी रेस्ट पावर टू बाई टू, टू बाई टू इज वन, यू नो दैट। सो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं टी ओनली, या फिर एम रेस्ट पावर जीरो, एल रेस्ट पावर जीरो और टी रेस्ट पावर वन। जब आप ऐसा लिखोगे देन यू विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड साइड में भी टी था, यहाँ पर भी टी आ रहा है, दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। कोई और फॉर्मूला भी आपको दे सकता है, बस अगर आपको ये पता चल जाए उसमें इन्वॉल्व पैरामीटर्स या क्वांटिटीज, उनका अपना क्या डायमेंशन होता है, तो आप डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हो। ये प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है, इन केस यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बाकी फ्यूचर में बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे, बहुत सारी क्वान्टिटीज आएंगी, हर मोमेंट पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन में और पिक कर देता हूँ और उससे कुछ और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये आप लोग पढ़ेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, ये भी टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड है, ये फिजिकल पेंडुलम का है। सो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम होता है उसी तरह से एक फिजिकल पेंडुलम, उस फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड को ऐसा लिखा जाता है, और क्यों लिखा जाता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स से अगर कभी ऐसा लिखता है स्पीड की वैल्यू twice r square g density of object minus density of medium divided by 9 eta लिखा हुआ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी एक फॉर्मूला है, कभी ना कभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे। सो इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मैं टर्म्स के बारे में आपको फिर से बताऊंगा, और उन टर्म्स के बारे में अगर मैं कोई बता देता हूँ क्वांटिटीज के बारे में, तो आप इसको लेफ्ट साइड राइट साइड को प्रूव कर सकते हो। सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगेन लाइक ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमको सीखना है अभी। इसको क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसमें जो क्वांटिटीज है उनके बारे में अगर बोला जाए, तो ये वी स्पीड को बात कर रहा है या वेलोसिटी की बात कर रहा है, R फॉर रेडियस है, G फॉर ग्रेविटी है, रो ओ और रो एम दोनों डेंसिटीज हैं,
ये डेंसिटी है ईटा, इसको हम ईटा बोलते हैं। जब कभी ऐसा सिंबल बनाते हैं ऐसा, तो उसको ईटा पढ़ा जाता है, अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है तो। और यहाँ पर ये विस्कोसिटी कॉफिशियंट है, अगर आपको याद रखने में इश्यू बन रहा है छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट वो जो भी नाम लेगा ईटा, इसका एक फॉर्मूला बताएगा, तो हम ईटा का भी डायमेंशनल लिखेंगे, फिर सबका डायमेंशन लिख सकते हैं। ईटा का जो डायमेंशन होता है उसके लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ईटा को आप ऐसे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सो यहाँ से ईटा का डेफिनेशन निकाला जा सकता है या फॉर्मूला निकाला जा सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें आएगा फोर्स डिवाइड बाई 6 पाई आर इंटू वी। आर इज रेडियस, वी फॉर वेलोसिटी। सो ईटा अपने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ईटा का डायमेंशनल निकालते हैं। सो अब क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, टू को हम लोग बाद में डील करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से हमको ईटा का डायमेंशन चाहिए। सो कैन यू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, अगर फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाई 6 पाई, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, आर इंटू वी। ओके, प्रूफ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सो ईटा का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकालेंगे, फिर ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, डेंसिटी का रखेंगे, जी का रखेंगे, आर का रखेंगे, फिर देखेंगे क्या वो लेफ्ट साइड के बराबर आता है। यू विल फाइंड कि वो बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो सिंस फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसको डायमेंशनल करेक्ट होना बनता है। ये स्लाइड आप कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और हम करें ईटा का। हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। ईटा के बाजू वाला ये एक फॉर्मूला होता है, अगेन ये फिजिक्स में हम लोग कभी पढ़ेंगे, ये फोर्स को निकालने का। इसी से हमने ईटा की डेफिनेशन निकाल दी है, क्योंकि अपने को ईटा चाहिए, तो एफ ऊपर कर दिया, 6 पाई आर वी से डिवाइड कर दिया। तो उस फॉर्मूले को आप जो रेड कलर से ब्रैकेट किया उससे लिखो या फिर इससे लिखो, दोनों की बात एक ही है। ईटा का जो आप बता रहे हो डायमेंशन, वो एम टी रेस्ट पावर माइनस वन बता रहे हो, एम एल रेस्ट पावर टी रेस्ट पावर माइनस वन। ये जो फॉर्मूला कौन सा है इसको हम बताएंगे, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये जो वेलोसिटी वर्ड मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, नीड नॉट टू वरी, हम लोग इसको लर्न करने वाले हैं। ईटा का मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्या सभी लोग सही निकाल पा रहे हैं ये इस फॉर्मूले से? और ये भी फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर भी हमारे लिए काम का है, एफ एफ मतलब फोर्स है। सो अब में से अधिकतर लोग एम एल रेस्ट पावर माइनस वन टी रेस्ट पावर माइनस वन बोल रहे हो, सीम्स टू बी करेक्ट। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, तो पहले इसको वेरीफाई करूंगा, फिर इसको यूज करा दूंगा। वहां से एक और पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को आपको लर्न करना है। सो लेट्स कम टू दिस, सिंस अपने को पता चला ईटा की वैल्यू, ईटा को एन जैसा बनाते हैं, थोड़ा सा एक साइड को बड़ा कर देते हैं, 6 पाई आर इंटू वी। नाउ अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ ईटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा इज गोइंग टू बी फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय 6 पाई, का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो आर का डायमेंशन और वी का डायमेंशन, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन लास्ट क्लास में और अदरवाइज आपने लिख रखा है एम एल टी रेस्ट पावर माइनस टू होता है, मास लेंथ सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता होगा कि जब हम यूनिट से कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड से, राइट, तो मीटर को हम लोग एम लिख दिया और इसको टी लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया क्या रॉन्ग हो जाएगा? ये एम है फॉर मीटर, मीटर इज फॉर लेंथ, और ये जो कैपिटल एम हम लिखते हैं वो लेंथ के लिए नहीं लिखते, वो मास के लिए लिखते हैं। तो डायमेंशन और यूनिट्स में फर्क है, उस फर्क को आपको रियलाइज करना है, मिक्स नहीं करना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो जो नाम होता है मास का एम लेते हैं, लेंथ का एल लेते हैं, टाइम का टी लेते हैं, डायमेंशन केस में। यूनिट्स में उसके यूनिट्स के लेटर लेते हैं, जैसे मास का यूनिट होता है केजी,
और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये यूनिट है, डायमेंशन में ये अलग स्टोरी। जब कभी आप यूनिट से डायमेंशन हेलो, आई शुड बी ऑडिबल नाउ, देर वॉज इंटरप्शन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन एंड वी लेट्स कैरी फॉरवर्ड। ये कुछ माइनर्स है, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन का, वो नेट कभी भी इंटरप्ट कर देता है, कभी पावर इंटरप्ट कर देता है। सो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। फोर्स के बारे में आप लिखेंगे तो फोर्स का आपका बन जाएगा एम एल टी रेस्पा माइनस टू, रेडियस इज अ लेंथ सो आप राइट करेंगे एल, और वेलोसिटी का एल टी रेस्पा माइनस वन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एम, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल ऊपर सर्वाइव करेगा, टी की पावर माइनस वन बचेगी। सो मोस्ट ऑफ यू यही बता रहे हैं और यही इसका फॉर्मूला है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, जेई के एग्जाम में, मेंस एग्जाम में उसने पूछा है, रिपीट भी हुआ है कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। चार ऑप्शन देगा, कभी एम की पावर वन लगाएगा, कभी टू लगाएगा, कभी इधर करेगा, एक फॉर्मूला देगा जो एग्जैक्टली यही होगा, उसी को अपने को मार्क करना होता है। तो एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप चाहो तो इसको नोट करके याद भी रख सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, अगर नहीं भी याद रखना चाहते हो नॉट एन इश्यू, जब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला तभी। और उससे भी बेटर ऑप्शन क्या है अपने पास, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी आप उसको ड्राइव करके बता सकते हो, क्योंकि आपको खुद में समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के को पावर्स में याद रखना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है रादर देन की फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला के बाद ड्राइव कर सकता है। अच्छा, आपने को ये प्रूफ करना था, चेक करना था, वेरीफाई करना था, जो भी है, तो इसको इसके लिए हम वेरिफिकेशन के लिए जब हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड वाला लेफ्ट फॉर्मूला था, वी इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई 9 टाइम्स ईटा। ये जो 2 और 9 इन्वॉल्व है ना, ये नंबर्स हैं, जो मल्टीपल में नंबर्स रहते हैं, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं रहता है। अभी उसके पास कुछ और भी अपने पास रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन बनेगा वो वेलोसिटी का बनेगा,
और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, दैट्स गोइंग टू बी एल टी रेस्ट पावर माइनस वन। अब किसी तरह से अपने को ये देखना है कि राइट हैंड साइड का फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सेम आता है। अगर सेम आता है दैट मीन्स जो आपने फॉर्मूला दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड, 2 और 9 को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये नंबर्स हैं। आपको आर स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए, आपको जी का डायमेंशन चाहिए, आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम का चाहिए, डायमेंशन डिवाइडेड बाई डायमेंशन ईटा का चाहिए। नाउ यहाँ से जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो अपने नोट्स में, ब्रेन में नोट कर सकते हो कि अगर जैसे ये 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है या फिर 2 को ऐड किया गया तो इसका मतलब होता है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लिखा हो तो फिर दोनों का डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है और तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ये एक रूल होता है, अभी उस रूल के बारे में लोग बात करेंगे। तो जो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ मीडियम का अगर डायमेंशन आपको निकालना हो तो ये बेसिकली डेंसिटी का डायमेंशन है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में हम सेम डायमेंशन को लेते हैं जो क्वान्टिटीज एड अप और सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर दो क्वान्टिटीज एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल डायमेंशन बराबर होने चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो तो हम ये बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन कट गया तो वो जीरो हो गया। नो, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं लैंग्वेज में भी लिखता थोड़ी देर में, बाकी आपको समझ में आ रहा है क्या। तो ये आर स्क्वायर को लिखेंगे हम एल स्क्वायर, जी एक्सीलरेशन है एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, ये डेंसिटी है। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाई एल क्यूब। सो ये बन जाएगा एम एल रेस्ट पावर माइनस थ्री, सबको ऊपर लिखते हैं तो माइनस में आ जाएगा पावर। ईटा हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है तो एम एल रेस्ट पावर माइनस वन टी रेस्ट पावर माइनस वन है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड था उसके बराबर आना चाहिए। यू विल सी कि एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर वन माइनस वन करके जीरो बना देगी। तो मैं लिख देता हूँ एम की टोटल पावर वन माइनस वन आ रहा है, टोटल पावर कितना आ रहा है, टू प्लस वन दैट इज थ्री, प्लस का माइनस थ्री ऑलरेडी था, ये माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो एक प्लस वन ही बनाएगा। तो सारी पावर्स हम लोग लिख रहे हैं। ये आई होप यू पीपल मस्ट बी कम्फर्टेबल कि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा भारी जा रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए और रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी पावर्स आ रही हैं इसीलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप्स लिख रहा हूँ। अच्छा, एम की पावर कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, एल की टोटल पावर कितना हो जाएगा, वन। टी की टोटल पावर, माइनस वन। सो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल टी रेस्ट पावर माइनस वन। फिर आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बराबर हो गया। यस, प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है, जो फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है और इसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है तो हम लोग जानते हैं कि कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। तो यहाँ से अपने को कुछ आइडिया लगा हाउ वी कैन चेक वेदर अ फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली और नॉट। दिस वॉज वन ऑफ द एप्लीकेशन वी स्टार्टेड विथ। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता, क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑप्शन टाइप के होते हैं, ए बी सी डी आपको पिक करना होता है, तो प्रूफ करने वाला नहीं पूछेगा। लेकिन ऐसा जरूर पूछ सकता है कि कोई एक नया फॉर्मूला बना के दे दें और बोले कि सपोज कर लीजिए इसमें पावर उसने एम लगा दिया होता, वी की पावर एम, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। ऐसा बोलता है कि वी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू दिस और आपसे बोलता है एम की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड का जब डायमेंशन लिखते हैं तो उसमें पावर एम आता, बाद में पता चलता है कि एम की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यस, तो सेम क्वेश्चन को वो मैनिपुलेट करके डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकता है। ऐसा एडवांस में पूछा भी गया कि कोई फॉर्मूला बनाएगा, जनरली वो ऑब्वियस फॉर्मूला नहीं बनाएगा क्योंकि आपको ऑब्वियस फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली बता दोगे एन को 1 होता है, तो कोई नॉन ऑब्वियस फॉर्मूला डिजाइन करेगा और एक पावर दे देगा और पावर की वैल्यू पूछ लेगा।
सो पूछने के कई सारे तरीके, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन था, सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और भी इसके एप्लीकेशन उसके बारे में बात करेंगे. आई होप कि ये आपको समझ में आया है. किसी को कंसर्न जा रहा है तो प्लीज डू आस्क, क्योंकि आप जब पूछेंगे बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको कितना डाइजेस्ट हो रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पेस अप कर सकते हैं, पेस डाउन कर सकते हैं. सो एप्लीकेशंस में यस गुड. एप्लीकेशंस में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन को भी लर्न करेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करना कर सकते हैं. सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऐसा हेडिंग कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, N1 U1 is equal to N2 U2. जैसे कि मीटर, एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था 60 किलोमीटर और को आपने मीटर पर सेकंड में बदला था. आप उसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अच्छा अब ओके, somebody is writing on the chat, let me read it. Devang, you have written, हाँ. So आपने लिखा, is there any method to check whether equation is actually correct? Is there any method? Okay, any method की बात कर रहे हो, इसका मतलब कोई भी method होगा, उसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो. तो फिर लैबोरेटरी में हम लोग चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इक्वेशन किस चैप्टर से किस कॉन्सेप्ट से लिंक है. तो कुछ वेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके. कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको हम लोग डेरिवेशन करके प्रूफ कर सकते हैं कि यस वो करेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं. जहाँ तक डायमेंशनल एनालिसिस की बात है, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको ये नहीं बता पाएगा कि वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं. एक्चुअली करेक्टनेस इसलिए नहीं बता पाता है क्योंकि वो नंबर्स के बारे में नहीं बता पाता है. जैसे अभी हमने लिखा था फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 6π eta rv. आप देखोगे ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई इसको लिखता है 6 is equal to 5π eta rv, सो ये डायमेंशनल एनालिसिस ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में अंतर क्या चल रहा है. क्यों? क्योंकि वो 6π और 5π के बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं. सो डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली करेक्ट है ये नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर करेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली बता देगा. सो दैट्स वन वे. सो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन फिर करेक्ट नहीं हो सकती है. और ये 6π या 4π या 5π है, इसको कैसे सेटल करते हैं? इसको लेबोरेटरी से सेटल करते हैं. हम ऐसे सेटअप बनाएंगे और मेजर करेंगे, कपल ऑफ वैल्यूज को मेजर करेंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कौन सा कॉन्स्टेंट चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है. ओके, सो एक्चुअली करेक्टनेस के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है? डेरिवेशन कर सकते हैं थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली लैब पे ट्राई मार सकते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस की भी हेल्प ले सकते हैं. जैसे हम आपको ये बताएं, थोड़ा सा डिटेल में बता दें, ये जो फॉर्मूला है 6π eta rv ना, इसको डायमेंशनल एनालिसिस से ही प्रूफ किया गया. एक्चुअल में भी ये डायमेंशनल एनालिसिस से ही प्रूफ किया गया. लोगों को ऐसा पता चला ये फॉर्मूला कहाँ पर आएगा कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो कि आप कितना कैच कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड. तो अगर आपको जितना भी समझता है काफ़ी है. अगर आपके पास ऐसा बोलता है कि ये सॉलिड स्फीयर है या फिर सॉलिड कोई भी स्फीयर है, नीचे आ रहा है किसी वेलोसिटी से, मीडियम की विस्कोसिटी ईटा है, तो लोगों ने ये पता किया कि जो वेलोसिटी है ना वो ईटा पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है. अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा विस्कोसिटी क्या होती है. मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. आपने आपने ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में, अभी रेनी डेज आने वाले हैं, बारिश होने वाली है, तो बारिश की अगर बूंदों को आप देखो, ड्रॉप्स ऑफ रेन्स, सो उनकी अगर वेलोसिटी को अगर आप एस्टिमेट करो कॉमन सेंस से कि कितना वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी का आपको रफ आइडिया रहता है. So, जब ये ड्रॉप की वेलोसिटी आप ऑब्जर्व करोगे या एस्टिमेट करोगे या फिर गेस करोगे, जो भी आपके ब्रेन में आता है, तो आपको इसकी कुछ वैल्यूज पता चलेंगे. ज्यादा डिटेल में हम लोग बाद में इसको चेक करेंगे. आप देखोगे कि जो इसकी वेलोसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 5 to 10 और 1 to 10 मीटर पर सेकेंड होती है.
ये जो रेन ड्रॉप्स हमारे हम लोग देखते हैं उनकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इट्स लाइक 1 to 10 meter per second इसके बीच में होती है, 2, 3, 4 के आसपास होती है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फॉल कहाँ से कर रहा है, ये बहुत दूर से फॉल कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं ना बहुत बड़ी हाइट पर होते हैं, रफली 10 kilometers और अप टू 12 kilometers और उससे भी ऊपर। सो 2 kilometers से स्टार्ट होते हैं और रफली 10-12 kilometers तक जाते हैं। वहां से अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, उसको 10 kilometers नीचे आने के बाद उसकी स्पीड 1 से 10 के बीच में ही हो रही है। आप जितना भी काइनेमेटिक्स मोशन कभी आपने पढ़े होंगे तो आपको पास आपके पास ये आइडिया होगा कि वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखते हैं, ये सभी को पता होगा। यू को अगर हम जीरो भी मान लेते हैं कि इनिशियली जीरो से चलता है, तो वी की वैल्यू अंडर रूट 2gh आती है। अब आप यू की वैल्यू 2 की वैल्यू जानते हो, जी की वैल्यू जानते हो, एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 kilometers या 12 kilometers आप रख के चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर आएगा ये बहुत बड़ा आंसर आएगा, 200-300 meters per second के आसपास आएगा, 300-400 और जो भी है इतने मीटर पर सेकेंड आएगा। नाउ जस्ट टू फील प्रैक्टिकली, 300 meters per second, 400 meters per second इज वेरी हाई स्पीड। आपको पता होगा जो साउंड है, जो मैं बोलता हूँ आप बोलते हो और दूसरे को सुनाई देता है, वो 330 meters per second से चलता है। इसका मतलब है 300-400 meters इज सो फास्ट, लाइक इवन जो गन से फायर करते हो ना बुलेट को, वो भी 100-200 meters per second की स्पीड से चलती है। सो अगर ये फॉर्मूला ट्रू होता है जो फॉर्मूला उन्होंने लगाया, तो आप पाते हैं जो रेन ड्रॉप्स है ना, रेन ड्रॉप्स बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से आ रहे होते हैं। अगर ये बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से आ रहे होते तो एक बार बारिश में ही कोहराम हो जाता है, लाइक एवरीबॉडी एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जाती। अगर ये हेल स्टोन होते तब तो काम खत्म। आई गेट माय पॉइंट। तो फिर लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये फॉर्मूला फेल क्यों कर जा रहा है और हमारा एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल है और जो फॉर्मूला है वो क्यों मिसमैच कर। तो इससे पता चला कि जो एयर है ना, वो एयर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वो जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम विस्कोसिटी से लिखते हैं। तो इसका मतलब जब रेन ड्रॉप हमारा आ रहा था, ये रेन ड्रॉप है लेट से, तो इस पर फोर्स लग रहे थे, कौन सा, ग्रेविटी नीचे लग रहा था। ये सारी फिजिक्स की बातें मैं कर रहा हूँ, आपको इसको लूज सेंस में समझना है प्रॉपरली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ओवर द डैम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट एज अ कॉमन पर्सन तो हम समझ ही सकते हैं। तो एक फोर्स लगता है ग्रेविटी नीचे की तरफ, जो उसको नीचे लेके आता है। फिर ये पता चला कि नीचे जब ये आ रहा है तो फिर इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। उसी रेजिस्टेंस फोर्स को ये फिर एस्टीमेट किया गया, पहले डायमेंशनली एस्टीमेट किया गया। ये देखा गया रेन ड्रॉप बड़ी होती है तो वेलोसिटी बदल जाती है, रेन ड्रॉप छोटी होती है तो वेलोसिटी बदल जाती है। फिर देखा गया कि मीडियम के बारे में, मीडियम भी इन्फ्लुएंस करता है। तो उससे ये पता चला कि ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ये फोर्स। फिर डायमेंशनल एनालिसिस इसको प्रूव किया गया, 6π के बारे में नहीं बता पा रहे थे, उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। एक्सपेरिमेंट से जब बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया गया, मैच कराया गया, तो उसमें 6π जैसा कॉन्स्टेंट अपीयर हुआ, तो इसका प्रूफ हो गया। तो इसका जो प्रूफ है वो डायमेंशनल एनालिसिस से किया गया। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हम एक्चुअल करेक्टनेस बता सकते हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस से एक्चुअल करेक्टनेस नहीं बता सकते हैं 100% श्योर होकर के, बट डायमेंशनली करेक्टनेस बता सकते हैं। उसका अगर हम हेल्प ले लेते हैं लेबोरेटरी का, एक्सपेरिमेंट का, तो हम फॉर्मूला को एक्चुअली बता सकते हैं कि यस वेदर इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट। सो किसी कॉम्बिनेशन से बताया जा सकता है। और आप देखोगे कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, ये बहुत कम स्पीड से आते हैं, ना केवल ग्राउंड पर, अगर आप 1-2 kilometers ऊपर भी चले जाओ, इफ यू गो 1-3 kilometers अपसाइड, तब भी आपको उनकी स्पीड यही नजर आएगी। इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड से आते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रेन ड्रॉप्स जो आते हैं लेट से 10 kilometers की हाइट से आ रहे हैं, तो क्या वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आएंगे या एक्सेलरेशन से आएंगे, और बोलेगा ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो हम बोलेंगे यस ग्रेविटी नीचे लग रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आना चाहिए, लेकिन ये जो फोर्स लगा है ना, इस फोर्स ने उस एक्सेलरेशन को कंज्यूम कर लिया है। तो जो लास्ट में आता है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। अगर आप अर्थ को यहाँ से हटा करके और भी नीचे लेके आ जाओ, उसको और भी डाउन साइड अगर ट्रेवल करना पड़ जाए ड्रॉप को,
तब भी वो उसी स्पीड से चलेगा, उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो चुकी है, इसीलिए इसका नाम देते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसके लिए यही फॉर्मूला वैलिड होता है, ये जो फॉर्मूला दिखाया गया। इसके जो स्टोरी है वो यही है कि दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रॉप का रेडियस लेकर के, ग्रेविटी को लेकर के, विस्कोसिटी ऑफ एयर लेकर के, ड्रॉप का डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी हम लोग जानते हैं, मीडियम एयर की डेंसिटी हम जानते हैं, सारा कुछ हम जानते हैं। घर आप एक्सपेरिमेंट में लैबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हो। ये जस्ट लाइक कि कैसे किसी फॉर्मूले को हम लोग वेरीफाई करते हैं लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल से, वो कर सकते हैं। बट अभी हमारा पर्पस वो प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि हमारा ये पर्पस है डायमेंशनल एनालिसिस को समझना। तो एक जो मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, सिंपली आपके कॉमन सेंस को ब्रॉडन करने के लिए, जितना भी आपको समझाओ अच्छी बात है, वरना इसको हम लोग और डिटेल में डील करेंगे जब हम रेन ड्रॉप्स के बारे में फ्लूइड्स में पढ़ रहे होंगे। नाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हालांकि हेडिंग यहाँ पे डाल दिया था, बट वी नीड टू टेक द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वन मिनट। So I'm using the next slide, and that was conversion of unit. So अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो, या फिर यूनिट्स का भी यूज कर सकते हो। दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। वैसे भी आप देखते हो कि यूनिट जो और डायमेंशन चल रहा है उसमें कनेक्शन भी होता है, बस उसमें हम लोग जैसे मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो वहां पर मीटर को लेंथ और यहाँ को टाइम लिखते हैं, तो लिखने का तरीका अलग है, बट क्वांटिटीज और उनका जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सिमिलर चल रही होती है। हम लोगों ने यूनिट्स में लर्न किया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरा यूनिट, और तीसरा न्यूमेरिकल वैल्यू तीसरा यूनिट। तो किसी भी यूनिट को न्यूमेरिकल वैल्यू से लिंक करा सकते हैं, और ये सब क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इससे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट या उस फिनोमिना या फिजिकल क्वांटिटीज के क्वांटिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वही रहती है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बता रहे हो एक तरीके से, ये दूसरे तरीके से आप बता रहे हो, ये तीसरे तरीके से बता रहे हो, तो नो मैटर कौन सा तरीका आप यूज करते हो उसकी वैल्यू वही रहती है। जैसे प्लेन चल रहा है तो प्लेन की स्पीड आप मीटर पर सेकंड बोलो या किलोमीटर पर आवर में बोलो या किलोमीटर पर सेकंड बोलो या कोई भी लैंग्वेज में बोलो, यूनिट्स में बोलो, सबका मीनिंग सेम आना चाहिए। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल करके सेम फिनोमिना को एग्जैक्टली बताना चाहिए, यानी सेम वैल्यू देना चाहिए। सो ये यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, उसकी यूनिट पता होगी, अगली की यूनिट पता होगी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को आप चाहो तो यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, डायमेंशन में। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वन ऐसा लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उस वन के वन वे के वन वे पर लिखना इज इक्वल टू एन टू डायमेंशनल फॉर्मूला सेकेंड वे पर लिखना। और फिर दोनों तरह से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाते हैं तो उसको इक्वेट करा देंगे। फिर जनरली हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं कि ये एन वन, वैसे हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होते हैं, तो उनको पावर्स को हम लोग अलग अलग लेकर के चलेंगे, और अंतर किसमें दिखाएंगे कि वो मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है या जो भी है। तो अगर m की पावर लेट से a आ रही है, l की पावर b आ रही है, और t की पावर c आ रही है, उसका ये डायमेंशन फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, एम रेस्ट पावर ए आएगा, एल रेस्ट पावर बी आएगा, टी रेस्ट पावर सी आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हम यूज करेंगे वो फर्स्ट लैंग्वेज में या फर्स्ट यूनिट में कर रहे होंगे या सेकेंड यूनिट में कर रहे होंगे, इसलिए को एम वन एल वन टी वन लिख सकते हैं, एम टू एल टू टी टू लिख सकते हैं। तो डायमेंशन का मतलब पावर होती है, पावर वही रहेगी नो मैटर आप किस यूनिट में लिखते हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने ही ये पॉइंट बोला था कि जो डायमेंशन होती है वो यूनिक होती है। सपोज कर लिए अपने को एन टू निकालना है, तो एन टू में हम लोग एन वन लिखेंगे और फिर इसको हम लोग आपस में हैंडल कर लेंगे डिवाइड करके। जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो आप पाओगे कि कुछ ऐसा आएगा कि एम वन डिवाइड बाई एम टू रेस्ट पावर ए, एल वन डिवाइड बाई एल टू रेस्ट पावर बी, सॉरी टाइम वाला आएगा टी वन डिवाइड बाई टी टू रेस्ट पावर सी। ये जो ए बी सी है ना, ये हमको क्वांटिटी से पता चल जाएगा, और ये जो रेशियोज हैं वो हमको यूनिट से पता चल जाएगा कि किस यूनिट में लिख रहे हैं। जैसे लेट से कि ग्राम में लिखा था, दूसरा हमको किलोग्राम में लिखना है, तो ऊपर हम ग्राम लिखेंगे नीचे किलोग्राम लिखेंगे, तो वो रेशियो निकल के आएगा। लेट से ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, तो वहां से पता चल जाएगा। ये सेकेंड में था, ये सेकेंड में था, तो वहां से पता चल जाएगा। सो काइंड ऑफ ये भी एक अपने पास फॉर्मूला बनता है जिससे हम लोग कन्वर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये सारा कन्वर्जन हम यूनिट से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों सिमिलर बातें हैं। कॉपी कर लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कभी आपसे कहता है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट। सो अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, जो न्यूटन है वो बेसिकली ऐसा यूनिट है, और इस ऐसा यूनिट को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम जाना चाहते हैं। बाद में लोग याद रख लेते हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होगा, तो आप कभी भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, उसको हम डाइन बोलते हैं। सीजीएस यूनिट इज नोन एज डाइन, यू नो दैट, इसका फोर्स के लिए। सो ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर जो भी है। सो अपने को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। मैं आपको सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अपने को एन वन यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वन कितनी दी गई है, 1 यूनिट, और जो एम वन एम टू एल टू है तो उसके लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है एम एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इससे कंपेयर करके आपको ए पता चल जाएगा, ए की वैल्यू 1 है एम रेस्ट पावर, बी की वैल्यू पता चल जाएगी बी इज 1, टी की वैल्यू पता चल जाए सॉरी सी की वैल्यू पता चल जाएगी सी इज -2। हाँ, ये जो कन्वर्जन है वो आप डायरेक्टली याद रखते हो, वी आर जस्ट प्रूविंग इट। सो ए बी सी आपको पता चल गया, अब आपको एन टू निकालना है, बस हो गया, आप रख दीजिए। तो आपको बोल पता चलेगा कि N2 की वैल्यू आएगी 1 टाइम्स M1, M1 हम SI में यूज कर रहे हैं, तो मास है, तो ये किलोग्राम में जाएगा, तो आप इसको किलोग्राम लिख सकते हो, ये ग्राम में होगा, इसकी पावर A आएगी विच इज 1, लेंथ SI यूनिट है, SI यूनिट में मीटर में मेजर किया जाता है, फिर हम CGS पे जा रहे हैं, तो CGS में जाएंगे तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो जो 1 सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है वो SI के लिए है, और 2 जो है वो सीजीएस के लिए, क्योंकि हमको एन टू निकालना है। इसकी पावर कितना बोलेंगे, इसकी पावर 1 बोलेंगे। टाइम को हम लोग वहां पर सेकंड में मेजर करते हैं, यहाँ पर भी सेकंड में मेजर करते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, -2 कर देंगे ना। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा केजी की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ग्राम होती है, डिवाइड बाई ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, पावर 1 थी सेटल हो गया,
मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेटल हो गया, टाइम पहले से सेटल हो चुका है, तो n2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है दैट बिकम्स 1000 टाइम्स 100, बेसिकली 10^5. अब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन इज 1 न्यूटन फोर्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज 10^5 टाइम, कन्वर्ट हो गया. सो SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया. दिस वॉज SI यूनिट सिस्टम, दिस वॉज CGS यूनिट सिस्टम. सो किसी भी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कभी भी किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो, वी कैन यूज दिस डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉपर्टी और मेथड और व्हाटएवर यू नेम इट. तो उसके लिए फर्स्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट के लिए ये जो पैरामीटर्स, सेकंड के न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड के लिए पैरामीटर्स, दोनों को आप यूज करोगे. जैसे आप यूज करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा. कॉपी कर लीजिए. कोई कंसर्न आ रहा हो तो आपको बोलना है, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है. अब में से बहुत लोग इसको याद भी रखते होंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा हूँ, बट स्लो को आप ऐसे समझिए, वी आर लर्निंग द वे टू डील टू गेट थिंग्स, नॉट वी आर फोकसिंग ऑन रिमेंबरिंग थिंग्स. दैट्स व्हाट द लर्निंग इज. लर्निंग मतलब हमको ये समझना होता है कि अगर कोई नई सिचुएशन आएगी तो क्या हम उसका डेरिवेशन कर सकते हैं. याद रखना तो कुछ चीजें हमको हमारे सामने आएंगी वो तो याद हो जाएंगी, हाउ टू डील द न्यू थिंग्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है. चलेगा, इसका एक अगला एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. पहला हम लोगों ने जो बात किया था वो चेकिंग दी डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में बात किया था. दूसरा जो बात किया है उस पर हम लोगों ने बात की कि किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम किस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट होता है उसके बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ. कई बार यूनिट्स कैलकुलेट करने में, डायमेंशन कैलकुलेट करने में क्या चलता है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. और ये हम डायमेंशन के केस में यूज कर रहे हैं, इसलिए डायमेंशन लिख सकते हैं. यूनिट्स में भी चलेगा. इसका क्या मतलब है वो बताते हैं. कई बार क्या होता है कि कोई इक्वेशन या फॉर्मूला हमारे पास जो आता है ना, उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसमें हर एक टर्म का जो डायमेंशन है ना वो बराबर होना चाहिए. सो जितने भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं सभी टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए. ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. जैसे कि मैं शॉर्ट में ऐसा बोलता हूँ कि अगर अपने पास वाई दिए, वाई इज इक्वल टू लेट्स से एक्स रेस्ट पावर एम प्लस जेड दिया है, कोई ये इक्वेशन है हमारे पास. सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशन ऊपर वाली तभी वैलिड होगी जब डायमेंशन ऑफ वाई, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जेड. ठीक है, एक्स रेस्ट पावर एम और जेड को एड किया गया. एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज होंगी. तो हम बोलेंगे कि इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन. सो जब कभी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो इन दोनों केसेस में सभी टर्म्स के डायमेंशंस को इक्वल होना पड़ेगा. बहुत लॉजिकल चीज है, देखने में हो सकता है जिस तरह से मैंने बताया आपको थोड़ा सा ऑड लगे, बट लॉजिकल है. कैसे लॉजिकल है, सपोज कर लीजिए आपने लेंथ को मेजर किया, किसी भी चीज के लिए लेंथ की वैल्यू आपने मेजर की 10 सेंटीमीटर. लेट्स से आपके पेन के बारे में बात कर लेते हैं, आपने उसका मास मेजर किया लेट्स से 5 ग्राम जो भी है. तो अगर आपसे कोई कहता है क्वांटिटी बताइए y इज इक्वल टू एम प्लस एल, तो क्या कोई मीनिंग वाली क्वांटिटी होगी क्या ये?
कैन वी से कि क्या इसका कोई मीनिंग निकल सकता है? आप बोलोगे इसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता है. क्यों? क्योंकि हम मास को लेंथ के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं. मास कैन नॉट बी एडेड विद लेंथ. यस, मास कैन बी एडेड विद मास. अगर आपके पास दो पेन है, एक का मास 5 ग्राम है, दूसरे का मास 10 ग्राम है, तो टोटल मास कितना होगा हम ऐड करके बता देंगे, या एक दूसरे से कितना बड़ा है सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे. तो इसका मतलब है व्हेन वी ऐड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, दे मस्ट बी ऑफ सेम, दे मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट्स एंड सेम डाइमेंशंस. बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाउएवर, मल्टीप्लीकेशन इज अलाउड. अगर आपसे ऐसा बोलता है कि एक क्वांटिटी वाई है और वो एम एल स्क्वायर है, क्या इसका कोई मीनिंग हो सकता है फिजिकल? बिल्कुल हो सकता है. So this can have a physical meaning, but this cannot have a physical meaning. So multiplication, division can be done of different physical quantities. However, addition, subtractions are for same physical quantities or having same units. तो यहाँ से आपका logic develop हो गया होगा और उसी के according हम इस number को इस number के dimension के बराबर करते हैं. जब कभी addition, subtraction आएगा तो हम लोग ये करेंगे. मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये x रेस्ट पावर m है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ x into x into x into x m times. तो उसमें हमने क्या किया, उनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने पावर भी m दे दिया. तो मल्टीप्लीकेशन में आप पूरा एक साथ लिखते हो, एडिशन में अलग करके लिखते हो, बराबर करते हो. इसको यूज करके हम बहुत सारे डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं. आपने लिखा है सो डिफरेंट क्वान्टिटीज कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. यस, different quantities can be multiplied or divided. जैसे आपको एक formula होता है, v is equal to u plus at होता है, है ना? ये सभी जानते हैं. कभी आपको ऐसा formula नहीं मिल सकता, v is equal to a plus t. ये wrong हो जाएगा, क्योंकि ये acceleration को आप time के साथ add कर रहे हो, meaningless. यहाँ पर आपने acceleration को time के साथ multiply करके इसको velocity बना दिया. अब ये velocity हो गया, ये velocity हो गया, ये velocity हो गया. Yes, velocities, velocities can be added up and they can be equated. So, ऐसा जो लिखा हुआ है ये कभी feasible नहीं है. ऐसा feasible है. So, this is our dimension से हम लोग check करते हैं कि क्या चल रहा है. अब जो exam में question पूछता है तो इसी point को आपको से use कर लेता है. तो हम उसको आपको आपके लिए उसको बताते हैं और आप एक example से इसको समझते हैं. एग्जाम्पल से पहले कुछ और पॉइंट बता देते हैं. एक तो ये पॉइंट रहेगा अपने पॉइंट दिमाग में, दूसरा जो कि इससे डिफरेंट कह सकते हो, जैसे हम लोगों ने देखा था एंगल के बारे में, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल्स, ये डायमेंशन लेस होते हैं. अच्छी बात है, जहाँ भी यूज होगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं कि कैसे डायमेंशन लेस होगा. लेकिन और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है, ये साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आपने ई रेस्ट पावर एक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैथ्स में सर पढ़ाएंगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं. तो ये जो फंक्शंस है ना, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है. सो दे ऑल आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस. ये फंक्शंस डायमेंशनलेस हैं. मोर ओवर, इसके अंदर जो लिखा है पावर्स में वो भी डायमेंशनलेस है. Also, x is dimensionless. Yeah, as example, मैंने बताया. तो अगर आपको कोई बोलता है sin x की dimension क्या है, dimension of sin x, तो हम बोलेंगे zero, m power zero, l power zero, t raise power zero, dimensionless है. और इसी x के बारे में अगर कोई पूछेगा x का dimension कितना है, जो sin के अंदर लिखा होता है, वो x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बड़ा complicated भी क्यों ना लिखा हो, तो उसके जो अंदर लिखा होता है ना, जिसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं ना, उसका भी डायमेंशन जीरो होता है, क्योंकि वो थीटा जैसा काम कर रहा है ना. हम लोग जाते हैं साइन थीटा, थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है. न केवल साइन कॉस टेन सेक के लिए, बल्कि एक्सपोनेंशियल पावर्स के लिए, फंक्शंस के लिए, लॉगरिथम फंक्शंस के लिए, तो ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं. सो इसको कॉपी कर लीजिए अपने पास, हालांकि टाइम नहीं है, बट स्टिल हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वाइंड अप कर लेंगे. Somebody has written ki so if two quantities have same dimension they can be added or subtracted. Yes, so addition or subtraction ke liye aapko same physical quantities or at least dimension same hona zaruri hai.
वो डायमेंशन अगर सेम होगा तभी एडअप होगा, वरना एडअप नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको इलस्ट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा मिक्स होगा दोनों पॉइंट्स को लेकर के और आपको समझ में आ जाएगा तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। लेट्स से कोई एक ऐसा फंक्शन देते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस v डिवाइडेड बाय I need to write something. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो चलेगा। हम y को मीटर बोलना चाहेंगे, सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग लेंथ और a हमारा कांस्टेंट है, t टाइम है। अगर हम लेंथ को लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई c प्लस d, d के साथ भी t लगा देते हैं, प्लस साइन, और यहाँ पर और कोई लेटर चाहिए होगा आपको f। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट किया जा सकता है। एंड इनसाइड इट्स लाइक g x प्लस h। सो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड देगा या कुछ भी देगा तो आपको बताएगा कौन कौन से लेटर क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपने को पता है। सो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है वो बता देते हैं। हेयर y एंड x आर लेंथ, तो y जो है और ये जो x इन्वॉल्व है ये लेंथ है, v को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, एंड t इज टाइम, ये इतना केवल अपने को पता है। एंड a b c d f g एंड h आर आर कांस्टेंट। नाउ कांस्टेंट में अपने को समझना है कि कांस्टेंट अगर किसी के साथ ऐड अप होता है तो उसका अपना यूनिट आ सकता है, मल्टीप्लाइड होता है तो यूनिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये उस तरह से नंबर्स नहीं है 2-3 बल्कि ये कांस्टेंट्स हैं। तो जैसे जी हमारे कांस्टेंट होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये उस तरह के कांस्टेंट हैं, दैट मींस दे कांस्टेंट कैरी यूनिट्स एज वेल। सो अपने से पूछता है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी टू एफ और h जो भी है, इन सबकी डायमेंशन अपने को निकालनी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिंपली वॉच कर लीजिए, कुछ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी आप उससे रिलेट कर लेंगे। अगर ये डायमेंशंस अगर हमको निकालना है तो आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या बनेगा, y का डायमेंशन लेंथ है तो l बन जाएगा। ये एक ही डायमेंशन के बराबर होना चाहिए क्योंकि सब एड अप हो रहे हैं, तो एक ही डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो एक ही डायमेंशन आपको इमीडिएटली पता चल गई, दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, दिस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टी डिवाइड बाई सी प्लस डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एफ इंटू साइन जी एक्स प्लस एच। जैसे ही आपको इस तरह से लिखेंगे, आप हर एक टर्म की डायमेंशन को बराबर करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ से आपको क्या क्या मिल जा रहे हैं, क्या आपको ए की डायमेंशन मिल रही है? यस। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए? ए मस्ट बी ऑफ लेंथ। इसको इसके साथ इक्वेट करो तो आपको पता चलेगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी, टाइम का डायमेंशन लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल, दिस विल लेट अस नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी। सो डायमेंशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी एल टी रेस्ट पावर माइनस वन। हाँ, कॉन्स्टेंट्स कैन हैव अ डायमेंशंस, कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट डू नॉट हैव अ डायमेंशंस, दोनों में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट क्लास में बताता। तो जब कभी कोई ऐड हो रहा होता है तो हमको डायमेंशन बराबर करनी होती है, जो ए बी सी डी टाइप के कॉन्सेप्ट्स कॉन्स्टेंट्स हैं दे कैन हैव अ डायमेंशंस।
बी का डायमेंशन आपको पता चल गया, क्या हम सी का डायमेंशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हम यहाँ से ये क्लेम करेंगे सी और डी टी आपस में एड अप हो रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी एंड टी, टी का मतलब टाइम है, तो ये फॉर्मूला इससे निकल के आ जाएगा। फर्दर फॉर्मूला, अब सी का डायमेंशन जो होगा वो इसको रिलेट कर देगा, तो इसको अगर इसके साथ रिलेट करते हैं फर्स्ट के साथ, तो क्या अपने को ये पता चलेगा आल्सो एल का डायमेंशन इज गोइंग टू बी टी का डायमेंशन डिवाइड बाई सी का डायमेंशन। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ सी एज एल रेस्ट पावर माइनस वन इंटू टी, और जो सी का डायमेंशन था वही डी टी के बराबर आएगा, तो इसको आप डी और टी के बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से आपको डी का डायमेंशन आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कर दिया है, तो हो सकता है आपको इश्यू क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सारे डायमेंशन निकालने वाले हैं। सो यू गॉट टू डायमेंशन ऑफ ए, यू गॉट डायमेंशन ऑफ बी, यू गॉट डायमेंशन ऑफ सी, यू गॉट डायमेंशन ऑफ डी। सर पर डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू टी बाय सी प्लस डी टी ना? डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू यस टी बाय सी डी टी आएगा, है ना? हाँ, सी डी टी आएगा यहाँ पर, सी प्लस डी टी। तो हम लोग जानते हैं जो एडअप होते हैं तो उनकी तो डायमेंशन सेम होती है, तो आप सी लिखो या डी टी लिखो बात तो एक ही है, तो हम डायमेंशन में एड नहीं करते ना, डायमेंशन में तो एक ही लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको टी बाई सी लिख दिया। एक पॉइंट था जो आपको हार्ड गया होगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो सी निकल के आ गया, एक बार सी निकल के आ गया तो डी निकल के आ गया। मोर ओवर लास्टली इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप इसी को क्लेम करोगे, इसको इसके साथ इक्वेट करा दो, जब लास्ट वाले टर्म को इक्वेट कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है कि उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटली रेड कलर से, लेट से डायमेंशन ऑफ एफ और डायमेंशन ऑफ साइन जी एक्स प्लस एच, इसका जो डायमेंशन आएगा वो भी एल के बराबर आएगा। आप जानते हो साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो साइन तो डायमेंशन लेस होते हैं, so, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट लर्न किया है कि साइन कॉस्ट डायमेंशन लेस होते हैं, यानी एफ का डायमेंशन एल के बराबर आएगा, एफ का डायमेंशन हमारा जस्टिफाइड हो गया या कैलकुलेट हो गया एक, क्योंकि ये साइन डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, अब साइन के इनसाइड वाला भी डायमेंशन लेस होता है और ये एडअप हो रहे तो बराबर होंगे, तो ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एच विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायमेंशन लेस, क्योंकि एडअप हो रहे हैं तो सेम डायमेंशन होना चाहिए और इनसाइड है तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। सो एच हमारा डायमेंशन लेस हो गया, जस्टिफाइड हो गया। फिर जी की डायमेंशन चाहिए, तो फर्दर आगे चले जाओ, जी की डायमेंशन इज जी इंटू एक्स की डायमेंशन विच इज लेंथ इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, सो अल्टीमेटली आपको जी की डायमेंशन भी मिल गया, दैट इज गोइंग टू बी एल रेस्ट पावर माइनस वन, दैट्स ऑल। Now you see कि आप एक गो में एक इक्वेशन से कितने सारे डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू गॉट द लॉजिक। हालांकि एक एग्जाम्पल मैंने टफ एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल एक साथ ले लिया, इसको मैं पार्ट्स में बता सकता था, सिंस टाइम जा रहा था इसलिए मैंने इसको लिया। आप इसको केयरफुली वॉच कीजिए और ईच स्टेप में मैंने इक्वेट किए हैं, सिंपली इक्वेट किए हैं और जो लॉजिक समझे उसको फॉलो किया है, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा, और अगर इश्यू रहता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज वन आप ट्राई कर लीजिए जो यूनिट एंड डायमेंशन का दिया गया है, और उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, वो लिस्ट से देख लीजिए और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज वन अगर आपने कर लिया तो टू ट्राई कर लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज वन पहले डिस्कस करेंगे इसका अगला प्रॉपर्टी बताने के बाद नेक्स्ट क्लास में। ओके, काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट्स हो वो, सो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो क्विकली पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप नाउ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एवरीवन।